तो हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो गाइस सामने आप लोग देख सकते हो भाई साहब हम लोगों ने ऐड कर लिया है भाई साहब टाइटैनिक शिप। एंड गाइस आज हम लोग इस वाले टाइटैनिक शिप को भाई क्रॉस करेंगे एंड ऊपर से जंपिंग चैलेंज होने वाली है। तो सबसे पहले गाइस आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूं अपने पास है इंडियन कार्स का कलेक्शन, देन यहां पर इंडियन ट्रैक्टर मॉन्स्टर ट्रक एंड यहां पर बस है एंड यहां पर अपना इंडियन लॉरी भी है। देन गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी कार्स है, ट्रैक्टर है, बस है, मॉन्स्टर ट्रक है एंड ट्रक वगैरह बहुत कुछ है हम लोगों के पास। सामने आप लोगों को एक बार मैं ट्रैक दिखा देता हूँ। इधर पे आप लोग देख पा रहे हो थोड़ा थोड़ा करके भाई पानी का लहर भी आ रही है। देन गाइस इधर से हम लोगों को भाई लेना पड़ेगा जंप, जो कि यार सबसे ज्यादा मुश्किल होने वाली है। इधर से गाइस हम लोगों को जंप लेने के बाद गाइस इस टाइटैनिक शिप को क्रॉस करके गाइस इधर तक आना पड़ेगा। जो गाड़ी भाई टाइटैनिक शिप से लड़के गिर जाएगा नीचे वो गाड़ी फेलियर लिस्ट पे आ जाएगा, लेकिन जो गाड़ी टाइटैनिक शिप को इजी तरीके से एकदम क्रॉस कर जाएगा बिना कोई क्रैश हुए एंड गाइस वो गाड़ी विनर लिस्ट पे आ जाएगा। तो यार बहुत ही ज्यादा खतरनाक और मजेदार गेम प्ले। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस सबसे पहले लेते अपने इंडिया की तरफ से कोई एक गाड़ी। ऑलराइट, तो भाई सबसे पहले अभी हम लोग लेके चल रहे हैं इंडिया की तरफ से गाइस अपना महिंद्रा थार 2021 मॉडल। तो गाइस क्या लग रहा है आप लोगों को अपना महिंद्रा थार जैसा गाड़ी यहाँ पर कैसा परफॉर्मेंस कर पाएगा? फुल पावर गाइस आप लोग देख पा रहे हो। ओ भाई साहब अपना महिंद्रा थार ने लिटरली बहुत ही सुंदर सी जंप लगाया एंड भाई देखो गाड़ी किधर जाके गिर रही है। भाई साहब ये तो कुछ ज्यादा ही आगे आ गया यार। चलो कोई बात नहीं है गाइस, इस गाड़ी को सीधी बात अपना पार्किंग पे करते हैं भाई एंड लेते अपना नेक्स्ट पाकिस्तानी गाड़ी। ऑलराइट, तो गाइस अभी हम लोग लेके चल रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से गाइस पाकिस्तानी जीप, जो की अपने पास है BJ40 एंड भाई पानी का लेड अभी थोड़ा बहुत मुझे बढ़ने दिख रही है एंड इधर पे अपना ओके जीप भी चलो बहुत ही सही तरीके से विनर लिस्ट पे आ चुका है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एंड यहाँ पर मैंने भाई मतलब एक ही शिप रखा, मैं सोचा था भाई एक शिप के ऊपर और शिप रखूंगा, लेकिन उसके बाद मुझे पता चला भाई अपना मॉन्स्टर ट्रक बाइक वगैरह एंड भाई अपना और बाकी सारा जो कुछ है भाई वो सब नहीं तो विनर लिस्ट पे नहीं आ पाएगा। डेट्स व्हाई यहाँ पर हम लोगों ने भाई एक ही शिप को रखा है। एक चैलेंज और करेंगे गाइस, एकदम तीनों शिप आई मीन भाई मैं शिप बोल रहा हूँ भाई, ऐसे कैसे मैं शिप बोल सकता हूँ। तो तीनों सीप भाई आपस के ऊपर रख देंगे एंड भाई उसके बाद और एक चैलेंज करेंगे। तो अगर आप लोग भाई देखना चाहते हो वो वाला चैलेंज तो भाई मुझे जरूर एक बार कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं जल्द से जल्द वो वाला वीडियो भी आप लोगों के लिए ले आऊंगा। तो अभी लेते हैं भाई अपना नेक्स्ट गाड़ी। ऑलराइट, तो गाइस अभी हम लोग लेके चल रहे हैं यहां पर इंडिया की तरफ से गाइस अपना सिद्धू मूसेवाला पाजी का ट्रैक्टर, जो कि अपने पास है भाई HMT 5911 वही सेम कलर पे आप लोग देख सकते हो अपना सिद्धू पाजी का ट्रैक्टर। अभी हम लोग देखेंगे भाई ट्रैक्टर वगैरह क्या यहाँ पर विनर लिस्ट पे आ पड़ी है। ओ ओ नहीं 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 नहीं, ओ भाई साहब बहुत ज्यादा मतलब टच कर गया था, एक तरफ से कह सकते हैं हम लोग टच कर गया था। अभी देखते हैं चलो भाई पाकिस्तानी ट्रैक्टर यहाँ पर टच कर पाता है या नहीं। एंड गाइस आप लोगों को क्या लग रहा है भाई साहब पाकिस्तानी ट्रैक्टर यहाँ पर टच कर पाएगा भाई शिप को या टच नहीं कर पाएगा, क्या लगता है जरूर कमेंट सेक्शन में बताओ। अभी भी टाइम है गाइस, अभी हम लोगों ने जंप नहीं लिया, आप लोग फटाफट बताओ। मुझे तो लगता नहीं है कि भाई टच कर पाएगा क्योंकि देखो ओके चलो मुझे लग रही है अभी टच कर जाएगा। ओ टच कर गया, टच कर गया, ओ टच कर गया, ये वाला गाड़ी भी टच कर चुका है आप लोग देख पा रहे हो। एंड यहाँ पर अपना दोनों ही ट्रैक्टर अभी जाके फेलियर लिस्ट पे आ चुका है। खैर कोई दिक्कत नहीं है भाई, लोग लेते अपना नेक्स्ट कोई गाड़ी। तो बॉयज अभी हम लोग लेके चल रहे हैं यहाँ पर इंडिया में से गाइस अपना महिंद्रा स्कॉर्पियो S11। तो गाइस क्या लग रहा है आप लोगों को भाई S11, तो अभी देखो भाई जम तो ले ही लेगा क्योंकि मतलब कार्स वगैरह लिए इजी है भाई शिप के लिए, लेकिन अभी भाई वही तो देखना है कि मॉन्स्टर ट्रक एंड अपना बाकी सारा ट्रक बस ये सब क्या विनर लिस्ट पे आ पाएगा। चलो वो सब के लिए भाई मैं एकदम मतलब बेताब हो रहा हूँ भाई, क्या बताऊँ आप लोगों को। फिलहाल यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो इंडिया का अभी जाकर हो चुका है 2 पॉइंट। तो इस गाड़ी को भी अभी कर देते हैं भाई लोग इधर पे पार्क एंड लेते गाइस अपना नेक्स्ट कोई पाकिस्तानी गाड़ी। सो लेट्स गो। तो गाइस अभी हम लोग लेके चल रही है यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से गाइस आप लोग देख पा रहे हो टोयोटा लैंड क्रूजर। तो गाइस क्या लग रहा है आप लोगों को टोयोटा लैंड क्रूजर यहाँ पर कैसा परफॉर्मेंस कर पाएगा? फुल पावर गाइस आप लोग देख पा रहे हो बॉयज, ऑफ लिटरली भाई लैंड क्रूजर ने क्या छलांग लिया है भाई, जब मानना पड़ेगा यहाँ पर लैंड क्रूजर का छलांग भाई देख के मजा आ गया। फिलहाल यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो भाई लैंड क्रूजर जो कि अपना न्यू शेप है ये भी विनर लिस्ट पे आ चुका है। खैर इस गाड़ी को भी अभी कर देते भाई लोग इधर पे पार्क एंड लेते गाइस अपना नेक्स्ट कोई इंडियन कार्स। वैसे गाइस अपना इंडिया का भी 2 पॉइंट हो चुका है एंड पाकिस्तान का भी 2 पॉइंट हो चुका है, दोनों कंट्री का चल रही है सेम पॉइंट। चलो इसको भी रखते हैं, लेते अपना नेक्स्ट गाड़ी। एंड गाइस अभी मैं सोच रहा हूँ भाई अपने इंडिया की तरफ से ना गाइस अपना इंडियन मॉन्स्टर ट्रक को ले लिया जाए। चलो अभी देखते हैं भाई इंडियन मॉन्स्टर ट्रक यहाँ पर कैसा परफॉर्मेंस कर पाता है।
फुल पावर गाइस अपना इंडियन मॉन्स्टर ट्रक भी स्टार्ट हो चुका है। अभी देखो भाई विनर लिस्ट पे आना है यार, विनर लिस्ट पे तो आना ही है, ऐसे तैसे कैसे। ओ भाई फाइनली गाइस यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो अपना इंडियन मॉन्स्टर ट्रक ने भाई जंप ले लिया है एंड फाइनली अपना इंडियन मॉन्स्टर ट्रक हो चुका है विनर लिस्ट पे। फिलहाल इंडिया का भी हो चुका है अभी जाके 3 पॉइंट। भाई मैं मतलब गलत जगह पे पार्क कर रहा हूँ, खैर यहाँ पर अपना मॉन्स्टर ट्रक पार्क होगा तो इस गाड़ी को भी अभी कर देते भाई लोग इधर पे पार्क। लेते हैं गाइस अपना नेक्स्ट कोई इंडियन तो ले लिया, चलो लेते हैं पाकिस्तानी मॉन्स्टर ट्रक। तो बॉयज अभी हम लोग लेके चल रही है यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से गाइस पाकिस्तानी मॉन्स्टर ट्रक को, एंड देख लेते भाई अपना पाकिस्तानी मॉन्स्टर ट्रक का परफॉर्मेंस इधर पे कैसा रहता है। पानी का लहर की वजह से मतलब कोई भी दिक्कत ही नहीं हो रही यार, पानी का लहर लग रही है मतलब नॉर्मल चल रही है ऐसा सीन। एंड यहाँ पर देखो पाकिस्तानी मॉन्स्टर ट्रक ने भी बॉयज सब क्या भाई फायर छोड़ा ट्रक ने भाई साहब, मजा आ गया। ओ भाई साहब स्पाइडरमैन की तरह उछल गया। खैर यहाँ पर भी आप लोग देख पा रहे हो पाकिस्तान का भी अभी जाके हो चुका है 3 पॉइंट, दोनों कंट्री का अभी तक चल रहा है सेम पॉइंट। तो इस गाड़ी को भी अभी कर देते भाई लोग इधर पे पार्क, लेते गाइस अपना नेक्स्ट कोई इंडियन मॉन्स्टर ट्रक। तो ले लिया हम लोगों ने, अभी लेते अपना नेक्स्ट इंडियन कार। तो बॉयज अभी हम लोग लेके चल रहे हैं यहाँ पर इंडिया में से गाइज अपना महिंद्रा स्कॉर्पियो N2022 मॉडल। तो गाइज क्या लग रहा है आप लोगों को, स्कॉर्पियो एन यहाँ पर कैसा परफॉर्मेंस करेगा भाई? सब स्लो हो गया था पानी का लहर के वजह से, खैर उसके बाद भी आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर अपना स्कॉर्पियो एन ने बहुत ही सुंदर सा परफॉर्मेंस किया। एंड इसी के साथ गाइज अभी जाके इंडिया का हो चुका है 4 पॉइंट। अभी तक भाई इंडिया का एक गाड़ी फेलियर लिस्ट में आया है एंड अभी तक पाकिस्तान का भी एक गाड़ी फेलियर लिस्ट में आया है, खैर उतना भी कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। चलो इस गाड़ी को भी कर देते इधर पे पार्क, लेते गाइस अपना नेक्स्ट कोई पाकिस्तानी कार। तो बॉयज अभी हम लोग लेके चल रही है यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से गाइस पाकिस्तानी स्पोर्ट्स कार जो कि अपने पास है अल्फा रोमियो। भाई अल्फा रोमियो बीस्ट है भाई, बीस्ट खतरनाक सा बीस्ट है भाई साहब। ये लो भाई कर लो बात, 270 की स्पीड पे गाड़ी ने जम लिया। हम नहीं रुक जाओ भाई रुक जाओ, नहीं तो जाके सीधा पानी में ही गिरेंगे भाई, इतना तो मुझे लग ही रही है भाई पानी में भाई गिरते, लेकिन अगर थोड़ा और भी ज्यादा स्पीड पकड़ लेता गाड़ी। एंड लो भाई कर लो बात, गिर ही गया भाई, मतलब बोलते 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 गिर ही गया गाड़ी। चलो इस गाड़ी को भी अभी करते उधर पे पार्क, लेते गाइस अपना नेक्स्ट कोई इंडियन ट्रक या तो बस। तो बॉयज अभी हम लोग लेके चल रही है यहाँ पर इंडिया में से गाइस अपना इंडियन ट्रक। तो गाइस क्या लग रहा है आप लोगों को, इंडियन ट्रक का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा? फुल पावर गाइस यहाँ पर इंडियन ट्रक को सबसे पहले मोड़ना पड़ेगा भाई, मोड़ना ही सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर। चलो भाई भी हेवी ड्राइवर है हम लोग, उसके कारण उतना कोई तकलीफ नहीं हुआ हम लोगों को। खैर यहाँ पर अपना इंडियन ट्रक भाई हेवी वेट के साथ एकदम रेडी है। एंड क्या लग रहा है आप लोगों को भाई, विनर लिस्ट पर आना तो चाहिए यार। अरे आजा आजा आजा, ओ फाइनली बॉयज यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो अपना इंडियन ट्रक भी विनर लिस्ट पे आ चुका है। ओ बॉयज अब डॉज बॉल की तरह क्या ही चलंग लिया गाड़ी ने। चलो इसी के साथ गाइज आप लोग देख पा रहे हो अपना इंडियन ट्रक भी विनर लिस्ट पे आ चुका है। खैर अभी जाके इंडिया का हम लोगों का पॉइंट हो चुका है 1, 2, 3, 4 एंड भाई अपना इस वाले ट्रक को लेके 5 पॉइंट हो चुका है। तो अपने इस ट्रक को भी इधर पे कर देते भाई लोग पार्क, लेते गाइज अपना ओ चलो चलो सही है भाई तब अभी गिर जाता, लेते अपना नेक्स्ट पाकिस्तानी भाई ट्रक। तो बॉयज अभी हम लोग लेके चल रही है यहाँ पर पाकिस्तान के तरफ से गाइज पाकिस्तानी ट्रक। तो अभी हम लोग देखेंगे पाकिस्तानी ट्रक का परफॉर्मेंस इधर पे कैसा रहता है। फुल पावर गाइज अपना पाकिस्तानी ट्रक भी मोड़ चुका है यहाँ पर, अभी अपना पाकिस्तानी ट्रक का परफॉर्मेंस देखना है गाइज। 150-160 ओके अच्छा खासा स्पीड चला गया इस वाले ट्रक ने भी। एंड इसी के साथ गाइज आप लोग देख सकते हो पाकिस्तान का भी हो चुका है अभी जाके 5 पॉइंट, जो कि यार बहुत ही सही बात है भाई साहब। मतलब दोनों कंट्री का परफॉर्मेंस बहुत ही खूबसूरत निकल के आ रही है, मतलब अच्छा खासा स्पीड दे रही है भाई दोनों कंट्री का गाड़ी। अभी तक दोनों कंट्री का सेम पॉइंट चल रही है। तो इस गाड़ी को भी अभी कर देते भाई लोग इधर पे पार्क, लेते गाइज अपना नेक्स्ट कोई गाड़ी। सो लेट्स गो बॉयज। ऑलराइट द बॉयज अभी हम लोग लेके चल रहे हैं इंडिया के तरफ से गाइज अपना देसी गाड़ी जो कि अपने पास है महिंद्रा बुलेरो। तो गाइज क्या लग रहा है आप लोगों को, महिंद्रा बुलेरो यहाँ पर कैसा परफॉर्मेंस करेगा? फुल पावर गाइज यहाँ पर अपना महिंद्रा बुलेरो ने भी भाई जंप ले लिया है गाइज। एंड फाइनली बॉयज यहाँ पर महिंद्रा बुलेरो भी विनर लिस्ट पे आ चुका है। आप लोग देख पा रहे हो भाई साहब, मतलब अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही है यार, मजा आ रही है भाई, खतरनाक वाला मजा आ रही है। एंड इसी के साथ गाइज इंडिया का भी हो चुका है भाई 6 पॉइंट। तो इस गाड़ी को भी इधर पे रख देते भाई लोग, लेते अपना नेक्स्ट पाकिस्तानी। तो बॉयज अभी हम लोग लेके चल रही है यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से गाइज पाकिस्तानी टोयोटा लैंड क्रूजर V8 इंजिन के साथ आता है अपना टोयोटा
लैंड क्रूजर एंड भाई बहुत ही खतरनाक गाड़ी है भाई साहब। यहाँ पर इसका भी परफॉर्मेंस भाई साहब फुल पावर, कोई भी दिक्कत नहीं है, एकदम बराबर एंड टू एंड भाई बहुत ही अच्छा चला गाड़ी को भाई, दिक्कत नहीं हुआ। एंड वैसे यहाँ पर अपना V8 इंजन के साथ आने वाला टोयोटा लैंड क्रूजर भी फाइनली गाइस विनर लिस्ट पे आ चुका है पाकिस्तान के तरफ से। एंड अभी जाके पाकिस्तान का भी हो चुका है 6 पॉइंट भाई, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। चलो इस गाड़ी को भी इधर पे कर देते भाई लोग पार्क एंड लेते गाइस अपना नेक्स्ट कोई गाड़ी। तो वॉइस अभी हम लोग लेके चल रहे यहाँ पर इंडिया में से गाइस अपना होंडा सिटी 2021 मॉडल। तो गाइस क्या लग रहा है आप लोगों को होंडा सिटी का परफॉर्मेंस इधर पे कैसा रहेगा? फुल पावर भाई यहाँ पर पारी का लेड़ अभी जाके थोड़ा बहुत बढ़ रही है, लेकिन 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 गाइज होंडा सिटी का भी कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। बहुत ही ज्यादा स्मूथ तरीके से यहाँ पर गाड़ी क्रॉस कर चुका है अपना टाइटेनिक शिप को। एंड वैसे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो भाई इंडिया की तरफ से होंडा सिटी भी फाइनली विनर लिस्ट पे आ चुका है बॉयज। एंड चलो 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 भाई साहब फाइनली 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 गाइज यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो इंडिया का हो चुका है अभी जाके 7 पॉइंट। तो इस गाड़ी को भी इधर पे रख देते भाई लोग, लेते अपना नेक्स्ट गाड़ी। तो बॉयज अभी हम लोग लेके चल रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान के तरफ से गाइस पाकिस्तानी आउटलैंडर। तो गाइस अभी आउटलैंडर का परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा, जो कि पाकिस्तानी जंपिंग किंग का है भाई। इसे भाई थोड़ा स्लो तरीके से ही जंप करवाते हैं, नहीं तो सीधा पानी में ही जाके गिरता गाड़ी। फिलहाल यहाँ पर पाकिस्तान का आउटलैंडर भी चलो विनर लिस्ट पे आ चुका है। एंड इसी के साथ गाइस पाकिस्तान का भी अभी जाके हो चुका है 7 पॉइंट, दोनों कंट्री का भाई 7 पॉइंट हो चुका है। तो इस गाड़ी को भी अभी कर देते इधर पे पार्क एंड लेते गाइस अपना लास्ट इंडियन बस। ओके तो बॉयज अभी हम लोग लेके चल रहे हैं यहाँ पर इंडिया में से गाइस अपना इंडियन बस को, एंड देख लेते गाइस अपना इंडियन बस का परफॉर्मेंस इधर पे कैसा रहता है। भाई साहब कितना स्लो चल रही है भाई साहब, पानी का लहर खेड़ रही है यहाँ पर आ रही है, आप लोग देख पा रहे हो अच्छा खासा ही लहर आ रही है। लेकिन लेकिन चलो चलो भाई ले 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 ओ नहीं 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 ले पाया यार। एंड ये बस अपना फेलियर लिस्ट पे आ चुका है, आप लोग देख पा रहे हो। खैर गाइस कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर जो होना था वो हो चुका है, अभी लेते अपना लास्ट पाकिस्तानी बस। तो बॉयज अभी हम लोग लेके चल रहे पाकिस्तान के तरफ से भी अपना लास्ट बस, देख लेते हैं गाइज अपना बस का परफॉर्मेंस इधर पे कैसा रहता है। फुल पावर यहाँ पर बस घूमना चाहिए अच्छी तरीके से। एंड ओके चलो घूम जाओ घूम जाओ घूम जाओ एंड फुल पावर गाइज यहाँ पर अपना बस भी घूम चुका है फाइनली। एंड इसी के साथ गाइज आप लोग देख पा रहे हो अपना बस भी बहुत ही सही तरीके से जंप ले चुका है। एंड फाइनली बॉयज फाइनली 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 अपना बस विनर लिस्ट पे आ चुका है। खैर गाइज इस बस को भी अभी कर देते भाई लोग इधर पे पार्क, एंड इधर पे नहीं भाई मीन्स इधर पे करना पड़ेगा पार्क। एंड देखो भाई पाकिस्तान का भी जाके हो चुका है 8 पॉइंट, मतलब 1 पॉइंट आगे आ चुका है इंडिया में से। एंड यहाँ पर इंडिया हार जाता है 1 पॉइंट से, एंड हारना जीतना तो लगे ही रहता है भाई, ये सब एक गेम है, रियल लाइफ से कोई भी कंपेयर मत करना भाई। आज के लिए वीडियो से भी इतना ही था, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई लोग। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो पे, सो टाटा एंड बाय बाय बॉयज।